राजधानी 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 सर्दी की ठहरती रातों में सर्दी की ठहरती रातों में चलो धूप पहन कर निकले हम गर्मी के मुलायम धागों से एक स्वेटर बुनकर पहने हम। त्यामध्ये मालेगावचा मागचा हॉटस्पॉट असताना अनुभव हा फार वेगळा होता, पण आपण सर्वांनी मिळून माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्याच्यावरती मात केलेली होती। सेकंड वेव्हच्या वेळेस पण आपल्याला ती पूर्व तयारी करायची आहे, त्यासाठी आज माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभाग प्रमुखांची कोरोना संबंधित काम करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती। पोलीस विभाग महसूल विभाग याचे अधिकारी पण आज उपस्थित होते। या सेकंड वेव्हवरती आपण काय करायचं आहे त्याच्याबद्दल संपूर्ण मार्गदर्शन जिल्हा साहेबांनी केलेलं आहे, आणि आपण ती सर्व तयारी निश्चित करू अशी आपल्या सर्वांच्या वतीने मी आपला कॅप्टन म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना ग्वाही देतो। आमच्याकडून पूर्व तयारी आम्ही करणार असतो। मालेगाव के मनपा कार्यालय में आके सब परिस्थिति का जायजा लिया। आप सबको पता है कि मार्च 20 से लेके अभी तक गए 6-7 महीने हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, और काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए हम आज इस मकाम पे पहुँचे हुए कि आज हमारे पेशेंट की तादाद बहुत कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल एहतियात नहीं बरते या हम हमारे मर्जी के मालिक बन जाए और हम कुछ भी करें, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कई शहरों में कई मुल्कों में सेकंड वेव शुरू हो गई है, और ऐसा दिख रहा है कि पहले वेव से भी ज़्यादा खतरनाक ये सेकंड वेव है। पिछले बार आप सब लोगों को अंदाज़ा है कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितना जुगाड़ करना पड़ा, कितनी कीमत चुकानी पड़ी, और उससे हम आज बच के सामने आए हैं। तो हमें ये चीज़ें दोहरानी नहीं है, हमें बहुत ठीक तरीके से सब चीज़ें जो गवर्नमेंट ने बताई है उन सबका पालन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्चुनेटली अभी जो कुछ भी तैयारी प्रशासन की तरफ से है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, जिसमें बेड्स जो है वो हम पिछले बार जितने पेशाइयाँ हैं उसके सब टेंडर वगैरह मंजूर हो चुके हैं और उसकी खरीदारी अभी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर्स तकरीबन 250 डॉक्टर्स अवेलेबल है, नर्सेस वगैरह मिला के, और ऑक्सीजन की भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है कि हमें मालूम नहीं कि खुदा न खास्ता किस मकाम पे हमें जाना पड़े कि कितनी बड़ी ये वेव होगी, इसका भी अंदाजा आज नहीं है। तो हम जिससे पूरी तैयारी समझ रहे हैं वो सच में पूरी है कि नहीं, इसका भी हमें अंदाजा नहीं है। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है सभी से कि पिछले बार भी सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेशन किया था, इस बार भी उसी तरीके से सब लोग अभी से अगर आप थोड़ी सी खबरदारी लेंगे तो ये सब मैनेज करना सभी को पॉसिबल होगा। तो मेरा सभी पालन करें और हमें थोड़ी मदद करें। सर, गुजरात के बॉर्डर से लगा हुआ नासिक जिला है, तो क्या वो हमने एक ऑर्डर इशू कर दी है, उसमें हमने 8 अधिकारी नोडल ऑफिसर करके नियुक्त किए हैं, और जो अपने पुलिस अधीक्षक साहब हैं उन्होंने सुरगाना पेट और ये सब जो ऊपर से आने वाले जो लोग हैं वहाँ पे चेक पोस्ट शुरू हुए हैं। रेलवे स्टेशन जितने भी हमारे नासिक के, जहाँ से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात इस तरीके की तरफ से कोई पैसेंजर आने की संभावना है, तो वहाँ हर जगह पे चेक पोस्ट तैयार किया गया है। वहाँ मेडिकल का एक बंदा और पुलिस का एक बंदा ऐसे मिलके वो करेंगे, और रेलवे प्रशासन भी हमें पैसेंजर की लिस्ट भेजता है हर रोज़, वो ईमेल पे हमें आती है, तो उनका भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम करने वाले हैं। फ्लाइट से जो लोग उतरते हैं अपने यहाँ उजर एयरपोर्ट पर, उनकी भी वो फ्लाइट में बैठते वक्त ही उनका RT-PCR रिपोर्ट उनके साथ होना कंपलसरी है, तो वो सब चेक करने की भी व्यवस्था एयरपोर्ट पे लाली हमने करके रखी हुई है। तो रेलवे, एयरपोर्ट और रोड तीनों जगह पे हम चेकिंग करना शुरू कर रहे हैं। मालेगांव में सर गुजरात से बसेस भी आती है, ट्रक भी यहाँ से रोड आना का भी चेकिंग आपको करना है, तो रोड का इनको शायद SP ऑफिस से इनको इन्फॉर्मेशन आई होंगी, तो ये चेक पोस्ट जितने भी है वो लग जाएंगे, और जो डाउटफुल पैसेंजर लगेगा जिसको कोई सिम्टम्स है उसे वहीं से वापस भेज दिया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से किए, लेकिन एक बात मुझे आपको बतानी है कि पहली वेव और दूसरी वेव में काफ़ी सारा अंतर रहने वाला है। वो डेटा जो था वो पहले वेव के लिए था कि जब हमने कोमॉर्बिड काफ़ी तरीके से ढूंढ लिया, 62 लाख लोगों का सर्वे हमारा पूरा हो गया जिले का, और उसमें हमें 2.5 लाख तकरीबन कोमॉर्बिड लोग मिले हुए हैं। तो वो सर्वे का दो तरीके से उसका यूज होने वाला है कि कोमॉर्बिड पेशेंट जो है जो ज़्यादा ससेप्टेबल है किसी बीमारी के लिए उन पर निगरानी रखने के लिए, लेकिन वो सब डेटा जो था वो एक उसकी अलग कीमत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
आज हमारे पेशेंट पॉजिटिव नहीं निकले इसका मतलब आप आगे भी नहीं निकलेंगे, तो ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। अभी जैसे माझी कुटुंब माझी जवाबदारी में जो सर्वे किया उसमें मालेगांव में बहुत कम पॉजिटिव पेशेंट्स निकले, लेकिन ये जो है वो सिर्फ उस समय तक ही मर्यादित है, जैसे उस दिन वो पॉजिटिव नहीं निकले फुल स्टॉप, उसके बाद अभी दो महीने बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी कोई नहीं दे सकता है। इसलिए वो सर्वे का कोई इस तरीके से मतलब ना निकाले कि यहाँ अभी कोरोना फ्री हो गया है, ये उसका मतलब इतना ही है कि आज ये कोरोना फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए कोरोना फ्री बन गया। दो महीने के बाद वापस 10,000, 20,000, 2 लाख लोग भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं, तो ये हम लोगों ने दिमाग में रहना चाहिए और ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सर्दी की ठहरती रातों में चलो धूप पहन कर निकले हम, गर्मी के मुलायम धागों से एक स्वेटर बुन कर पहने हम।